क्या आपके भी हाथ में ये नस निकलता है? अगर निकलता है तो आपके अंदर एक खास बात है और एक ऐसा देश जहाँ पर लोग अपने ही पसीने को पीते हैं और एक ऐसा एग्जाम जो कि इतना टफ है कि बच्चे को एग्जाम देने वक्त पानी चढ़ाना पड़ता है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जान करके हैरान हो जाओगे। नंबर 10, चाइना में बहुत बड़े स्केल पर बंदरों को पानी के अंदर घंटों तक ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमे की बंदरों को पानी के अंदर बहुत देर तक सांस रोकना और अंदर ही खाना ढूंढ खाना सिखाया जाता है। नंबर 9, दोस्तों चाइना में एक गाओ केओ नामक एग्जाम होता है जिसे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम माना जाता है, जो कि इतना ज्यादा टफ होता है जिसके प्रेशर में बच्चे को एग्जाम देते वक्त ग्लूकोज का ट्रिप चढ़ाना पड़ता है। नंबर 8, दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि स्पेन के साइंटिस्टों ने एक ऐसा चिप बना करके तैयार कर लिया है जिसे इंसानी दिमाग में अटैच करने के बाद उस व्यक्ति का आंख न होने पर भी उसके आसपास के चीजों को उसे दिखा सकता है और रिकॉर्ड भी कर सकता है। नंबर 7, कैलिफोर्निया में एक 3200 मेगापिक्सल के कैमरा को बनाया जा रहा है जो कि अब तक का सबसे पावरफुल कैमरा है, जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि ये धरती पर रहकर चांद पर उपस्थित एक मिट्टी के कण का भी HD इमेज निकाल सकता है। और इससे फायदा ये होगा कि हमें स्टार्स और मून का डिटेल इमेज निकालने के लिए छोटे मोटे रॉकेट को लॉन्च नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6, दोस्तों बहुत सारे लोग अपने पालतू जानवर के साथ सेल्फी लेना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सऊदी में ऐसा करने पर जेल भी हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले बिल्लियों के साथ सेल्फी लेने का ट्रेंड चला था, लेकिन वहां पर बिल्लियों को अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए वहां पर ऐसा करने पर बैन लगा दिया गया है। नंबर 5, साइबेरियस कंट्री में हर साल एक प्रतियोगिता रखा जाता है जिसमे जो कोई भी 5000 बिच्छियों के साथ 33 दिन रह लेता है तो उसे 4 करोड़ का इनाम दिया जाता है। कॉमेंट करके बताइए क्या आप भी इसमें भाग लेना चाहते हो। नंबर 4, चाइना ने चांद पर एक ऐसे क्रिस्टल को खोज लिया है जिसका दाम करोड़ों में है, क्योंकि ये क्रिस्टल इतना ज्यादा पावरफुल है कि केवल इसके 1 किलोग्राम मात्रा से पूरे दुनिया को 24 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है। और ये क्रिस्टल चांद पर अरबों खरबों के मात्रा में मौजूद है, और सोचो अगर ये धरती पर आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। नंबर 3, स्वीडन में बहुत लार्ज स्केल पर ऐसे मशीन को लगाया जा रहा है जो कि लोगों के पसीने को पानी में बदल देता है और इस पानी को पिया भी जा सकता है। पसीने से भींगे हुए कपड़े को इस मशीन में रख दिया जाता है और इसके बाद वह मशीन उन कपड़ों में से पसीने को निचोड़ कर उसे साफ पानी में बदल देता है, और वहां पर हजारों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप कह सकते हो कि वहां पर लोग अपने ही पसीने को पीते हैं। नंबर 2, दोस्तों आप एक बार इस इमेज को देखो, इसे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है और उन्होंने बताया है कि आज से हजारों साल के बाद इंसान कुछ ऐसे होंगे। नंबर 1, दोस्तों जिस इंसान के हाथ में इस प्रकार से नस निकलता है वह अन्य लोगों से अधिक लॉजिकल होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो।